बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री नंगली निवासी भगवान की जय, बोलो साची दरबार की जय। प्रथम दर्शन मलपुर गोजरा में श्री स्वामी जी के सत्संग में एक दिन अकेड़े वाली गांव में इस दास के जन्म संबंधी भाई भक्त सोहनलाल जी आए। जब उन्होंने स्वामी जी का अनमोल सत्संग सुना तो बड़े प्रभावित हुए थे। मलपुर गोजरा से भकेड़े वाली लौट कर उन्होंने गांव वालों को कहा कि गोजरा में दो महात्मा संत आए हैं, भेष में तो उनका साधारण महात्माओं जैसा दिखता है किंतु वे साक्षात भगवान की मूर्ति हैं। उन दिनों यह दास गांव के स्कूल में पढ़ता था। जब भक्त सोहनलाल जी ने स्वामी जी के विषय में ये बात कही तो दास के दिल में प्रेम की तार खड़ी हो गई और यह निश्चय किया कि अब मेरे भाग्य उदय होने वाले हैं। दास के मन में स्वामी जी के शीघ्र अति शीघ्र दर्शन करने की इच्छा बहुत प्रबल हो गई। अपनी इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए दास अकेले ही थोड़ा सा प्रसाद लेकर मलपुर गोजरा की ओर चल दिया। घर वालों ने उसे बहुत रोका परंतु नहीं माना, अभी तू बच्चा है, इतना दूर जाना ठीक नहीं है, किसी को अपने साथ ले जा, हम स्वामी जी के दर्शन करने जाएंगे, तुम हमारे साथ चलना। किंतु प्रेम की डोर बहुत प्रबल होती है, दास रुक नहीं सका। जब मलपुर गोजरा जाकर स्वामी जी के दर्शन किए और उन्हीं से चरणों में प्रणाम किया, ऐसा प्रतीत हुआ कि जन्म जन्मांतर के भाग्य आज उदय हो गए हैं, पुरातन नाता साकार हो गया। मन दर्शन करके ही रोमांचित हो गया, मन में खुशी के फवारे फूटने लगे और ऐसा आनंद मिल गया जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यूं लगा कि इनके पहले भी किसी स्थान पर यह दर्शन मैंने किए थे, किंतु इस जन्म के संस्कारी और शारीरिक नाते से यह प्रथम भेंट थी। माया के पर्दे में यह रहस्य छिपा रहता है। थोड़ी देर के बाद स्वामी जी ने दास से पूछा, बताओ बेटा भजन भी क्या करती हो, अन्यथा नहीं। यह सुनकर दास ने प्रार्थना की, हजूर भजन तो मैं जानता ही नहीं कि क्या होता है और कैसे किया जाता है, कुछ पता नहीं है, कुछ जानता ही नहीं हूँ, परंतु यह सोच रहा हूँ कि आप मेरे कब से परिचित हैं। दास अभी इस विचार में चकित हो रहा है कि आपकी महिमा जिस मुख से वर्णन करूँ थोड़ी है, ऐसा प्रतीत होता था कि आप मेरे मालिक हैं। दास चित्र बनाकर स्वामी जी की ओर निहारने लगता है। मन में अनेक प्रकार के आनंद ही आनंद की तरंग उठ रही थी। ऐसा लगता है कि दास ऐसे दिव्य स्वरूप के दर्शन कर रहा है जो शरीर में होते हुए भी शरीर नहीं है। जैसे मेरी अपनी आत्मा उस दिव्य आत्मा को पहचान रही हो। टिकटिकी आंखें गांधी दास ने कई बार देखा तो प्रतीत हुआ स्वामी जी ने कनखियों से देखकर रहे थे, जैसे वह सोए हुए अपने सेवक को फिर से पहचान रहे हो। स्वामी जी की आंखों की आंखों पहले पलक एक बार उठी तो लगता था कि एक नई दुनिया के दरवाजे खुल गए हो। स्वामी जी मुख से बहुत कम बोलते थे परंतु उनकी आंखें बहुत कुछ कह देती थी। शायद माता कभी भी प्रेम को प्रकट नहीं कर पाती, प्यार हो तो कई बार मौन भाषा से अधिक कह जाता है। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।